दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को एक बेहतरीन कप्तान मानते हैं तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। विराट कोहली फिर एक दफ़ा भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान बन सकते हैं। T20 इंटरनेशनल की कमान हार्दिक पांड्या को सौंपने के बाद BCCI टेस्ट टीम में भी बड़ा बदलाव कर सकता है। कप्तान रोहित की फॉर्म और फिटनेस को देखते हुए BCCI उन पर से थोड़ा बोझ कम करना चाहता है। ऐसे में 2023 वनडे वर्ल्ड कप की बेहतर तैयारी के मद्देनज़र यह बड़ा फैसला लिया जा सकता है। भारतीय टेस्ट क्रिकेट को नए मुकाम पर ले जाने वाले विराट को जिन हालात में कप्तानी छोड़नी पड़ी थी, वह आज भी फैंस का दिल दुखाता है। कई बार तो खून के आंसू रुलाता है। एक पल में भुला दिया गया था कि जिस ऑस्ट्रेलिया में भारत 1948 से कोई टेस्ट सीरीज नहीं जीत सका था, किंग की कप्तानी में 2018-19 में 71 साल में पहली बार टीम इंडिया ने वह कारनामा भी कर दिखाया था। अक्टूबर 2016 से लेकर मार्च 2019 तक रिकॉर्ड 42 महीने लगातार नंबर वन टेस्ट टीम का दर्जा पाया था। विराट की कप्तानी में भारत ने 68 टेस्ट मैच खेले और 40 मुकाबलों में जीत हासिल की तथा 17 मैच ड्रॉ रहे और 11 मुकाबले भारत ने गंवाए। इसके अलावा 58.82% के साथ विराट विनिंग परसेंटेज के मामले में भी हिंदुस्तान के नंबर वन टेस्ट कप्तान हैं। मैदान पर हर विपक्षी खिलाड़ी का विकेट चटकाने के बाद आक्रामक जश्न किंग की पहचान है। यह हकीकत है कि विराट की कप्तानी छोड़ने के बाद भारतीय टेस्ट टीम में पहले वाला जुनून देखने में नहीं आया। बदले में हिंदुस्तान ने कुछ आसान टेस्ट मैच भी गंवाया। कप्तानी को लेकर किसी भी तरह का दबाव कभी भी विराट की बल्लेबाजी में नजर नहीं आया। कोहली ने बतौर टेस्ट कप्तान दुनिया में सबसे ज्यादा 7 दोहरा शतक लगाया। इसके साथ ही अपनी कप्तानी के दौर में विराट ने 68 टेस्ट मैचों में 54.80 की औसत से 5,864 रन बनाए। इस दौरान किंग ने 18 अर्धशतक और 20 शतक लगाया। किंग के बल्ले से साउथ अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 254 रन की पारी सर्वश्रेष्ठ स्कोर के तौर पर आया। इसलिए अगर दोबारा टेस्ट क्रिकेट में रोमांच पैदा करना है तो कप्तानी में बदलाव हर हाल में किया जाना चाहिए। विराट को दोबारा टेस्ट कप्तान का जिम्मा दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।